This movie is encoded by Dr. Star. कितनी खूबसूरत फैमिली है। सुनो, ये चिड़िया किसकी है? मैं इसे घर ले जा रहा हूं, अपने घर। टीना, ऐसा करने से पैरों में दर्द होता है और पैर सूज जाते हैं। घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या तुमने अपने पैर साफ किए? इसलिए जरूरी है कि हम एक्सरसाइज, योगा, ये सब करके अपना ध्यान रख सकते हैं। तुम हमेशा अपने पैर साफ करने भूल जाते हो। ये देखो, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मुझे बाहर मिली। ये तो बहुत ही अजीब चीज है। पेड़ के नीचे पड़ी थी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि एक पंछी के रूप में एक छोटी सी लड़की है। बिल्कुल सही कह रही हो, ये दुर्लभ प्रजाति है। ऐसा पंछी इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जरा तुम इसे खाली करो तो। जरा रुको। ये लो, जिंदा है ना? हाँ, अब इसका क्या करें? मुझे तो लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन हमें एक पंछी मिला है, ये इंसान थोड़ी ही है। देखो, इसके दो पंख हैं। किसी इंसान के तुमने कभी पंख देखे? और इसका सिर देखो, बिल्कुल इंसानों जैसा है, बाल भी हैं सिर पर। ये जब मुझे पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली, मैंने उसी वक्त सोच लिया इसे अपने साथ ले जाऊंगा। हमें इसका तब तक ध्यान रखना होगा जब तक इसे कोई ले ना जाए। कौन ले जाएगा? कोई इसका अपना। ये पंछी है और इसे इसका ही परिवार चाहिए। इंसान इंसान के साथ रहते हैं और पंछी पंछियों के साथ। इसे पंछियों में भेजना ही होगा।
सुनो, मैं इसे रख रहा हूँ, बाद में आकर ले जाना। टीना, वॉरेन, मुझे नहीं लगता इसके जैसे और होंगे। होते तो जरूर दिखते, शायद तुम्हारी किताब में होते। मुझे ये पंछी से ज्यादा इंसान लगती है। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या कहना है? हमें इसका नाम रखना चाहिए। इसका नाम? नाम इंसानों के होते हैं, पंछियों के नहीं। इसका नाम नहीं हो सकता। पर हम इसका नाम जरूर रखेंगे। पर क्या मेश, मुश, मिरलफ, पैपिया, शेशिया या फिर क्नू? क्नू? पर ये तो बहुत ही अजीब सा नाम है। इसका प्यारा सा नाम रखेंगे। क्यों ना हम इसका नाम योशे रखें? ये बताओ, फ्लैपी, फ्लटरी? फ्लटरी ये कैसा नाम है? अच्छा, टीकप कैसा रहेगा? टीकप? भला ये कैसा नाम हुआ? बस ऐसे ही कह दिया। जूलियाना? नहीं। तो फिर बर्डी? बर्डी ये तो किसी पंछी का नाम हुआ ना। तो ये भी तो एक पंछी ही है ना। तो ऐसा नाम रखने में भला हर्जी क्या है? मेरे ख्याल से ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। फ्लोरा। पेट भर गया। इसे थोड़े दाने भी खिलाओ, जरूरत है इसे। ये देखो वॉरेन। जरा देखो इसे। यहाँ आओ ना। मैंने इसको ऐसे कपड़े पहना दिए हैं कि इसके पंख छुप गए हैं। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एक पंछी है। अब ये दूसरे बच्चों की तरह दिखेगी। देखो कैसी है। इससे पंख छुप जाएंगे, इससे इसके पंख कोई नहीं देख पाएगा। देखो कितनी प्यारी लग रही है। लग रही है ना राजकुमारी, कितनी प्यारी है। तुमने सुना वॉरेन, इसने पहली बार कुछ कहा है।
कितनी प्यारी है। ये आपको कहाँ से मिली? हमने गोद लिया है इसे। अच्छा, सच में? और ये बाबा गाड़ी की अफरी मिली है इसके साथ? तुम इसे पाल तो लोगे ना? हाँ, क्यों नहीं पालेंगे, हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। हाँ, पर ये कितनी छोटी है, बच्चे कहाँ इतने छोटे होते हैं। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। बाय। तुम सबने दाने चुग लिए? ये लो। अच्छी बात है ना कि ये उड़ना सीख रही है। पर मुझे एक बात की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि इसके हाथ नहीं है तो ये पियानो कैसे बजाएगी वॉरेन? पता नहीं वो सब अब मैं इसको कैसे सिखा पाऊंगी। क्या? उसने कहा पीपी। इसने पीपी कहा? इसने कहा पीपी। ये असली पंछी है। मुझे लगता है इसका पीपी का मतलब पापा है। अरे वाह, इसने मुझे मामा कहा। ये मुझे मामा कह रही है। अब ये बोलना सीख रही है वॉरेन। सुना तुमने? पर टीना, वो पंछियों की बोली है। क्या बोल रहे हो? वो बोल रही है पीपी और मीमी। वो सिर्फ चहचहा रही है टीना, पीपी मीमी कह के पंछियों की तरह गा रही है। ये तुम क्या कह रहे हो वॉरेन, पंछी कभी भी नहीं गाते हैं पापा और मामा। वो हमें ही कह रही है। क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे बात की, तुमने वाकई बात की। तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें कुछ खाना है? रुको, ये पीनी बीटी नहीं, ये पीनट बटर है। मैं तुम्हें अभी देती हूँ। पीनट पीनट बटर। हाँ, बिल्कुल सही। बोलो आ। चलो बोलो ए। बोलो ओ। ओ। बोलो यू। यू। बहुत अच्छे, ये लो। अब करो आ। नहीं आ। बोलो आ। आ करो, आ करो। फ्लोरा को बोलने में तकलीफ हो रही है, वो आ ओ नहीं बोल पा रही है। कैसे सिखाऊं उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोल भी कैसे पाएगी टीना, आखिर वो एक पंछी है। हमारी भाषा बोलने के लिए उसे हम लोगों जैसी जीभ भी तो चाहिए। पर परेशानी की बात यह है कि फ्लोरा अपना नाम तक ठीक से नहीं बोल पाती। पता नहीं आगे क्या होगा, उसे बोलना अभी से सिखाना पड़ेगा ना। मुझे इसे लेके बहुत फिक्र हो रही है। कैसी फिक्र?
उसे अपनी भाषा तो आनी चाहिए ना। तुम उसे सिखाती रहना टीना। हाँ सिखाऊंगी। देखो खाते वक्त टेबल से नहीं उठते, चलो नीचे आओ आके खाना खा लो। गलत बात। देखो बेटा शरारत नहीं करते, आके खाना खाओ, अच्छी बच्ची हो ना तुम। चलो आ जाओ। देखो मैंने क्या क्या बनाया है। वहाँ क्या कर रही हो लोरा? उसे थूको, बाहर जाके थूक कर आओ। थूको उसे। आज देर कर दी। आज मैंने एक तीतर और एक कबूतर देखा, बहुत खूबसूरत थे। तो तुमने आज भी कोई ऐसा नहीं देखा जो तुम्हारी किताबों में हो, बिल्कुल हमारी फ्लोरा की तरह हो? नहीं, आज मुझे बहुत काम थे। मैं सुबह से फ्लोरा को टेबल पर खाना खाना सिखा रही हूँ। तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ हो। इसे ये सब खाना बहुत पसंद है। पहले मुझे हैरानी हुई पर फिर लगा क्यों नहीं, क्योंकि हम बत्तख को खिलाते हैं, मुर्गियों को खिलाते हैं, तीतर को खिलाते हैं, तो ये भी तो यही खाएगी ना। चलो आ जाओ ऊपर, आ जाओ। ये लो इससे खाओ। पैर से पकड़ के खाओ, चलो खाओ। ठीक से पकड़ो। वहां से नीचे उतरो। क्यों परेशान हो रही हो? पर इसे टेबल पर बैठकर खाना खाना सीखना होगा ना। अगर हम कल को किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ भी क्या ये ऐसे ही करेगी? वहाँ तो टेबल पर बैठकर खाना खाना पड़ेगा ना। अरे खाएगी ना। ना तो ये टेबल पर बैठ पाती है, ना ही इसे कुछ बोलना आता है, ना ही ये सीखती है। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। पता नहीं ये लड़की आगे जिंदगी में क्या करेगी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पर वो उड़ जरूर सकती है, लेकिन हम शायद कभी ना उड़ पाए। ना तो उसके हाथ है, ना ही वो कुछ सीख पा रही है, पता नहीं जिंदगी में क्या करेगी। पंछी इन सब बातों की फिक्र नहीं करते हैं टीना। वो पंछी नहीं, मेरी बेटी है। पंछी कभी पीनी वीनी इस तरह की भाषा नहीं बोलते, समझा करो ना। ओ वॉरेन, हमारी बच्ची का क्या होगा? क्या तुम कोई इंसान की बच्ची नहीं ढूंढ सकते थे? इस पंछी को घर ले आए हो, तब शायद लोग भी कहते कि ये बिल्कुल आप जैसी लगती है, कितनी प्यारी है। पर तुम तो पर वाली बच्ची ले आए। बहुत काम की चीज है ये, वो उसे कई काम कर सकती है, जैसे मेल डिलीवर करना, आकाश से चीजों का निरीक्षण करना। कौन सी चीजें? वो मुझे नहीं पता, पर आसमान से चीजों को देखने के लिए पंख से बेहतर और क्या हो सकता है? है? और क्या, आखिर यही तो उसकी खासियत है। कहाँ चली, घूमने निकले हो? हाँ। अच्छा ठीक है। ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। क्या बात है, अगर तुम्हारे पंख देख लिए गए तो वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे।
यहाँ तुम बैठो और जितना मन करे उतने पंख हिलाओ। क्या आप लाइन में हैं? जी हूँ भी और नहीं भी। वो क्या है ना, मुझे जरूरत होने पर मैं तुरंत चली जाती हूँ। आपको जरूरत होती है तब आप भी इंतजार नहीं कर सकते ना, तो मैं भी इंतजार नहीं कर सकती। आपके साथ भी यही होता होगा ना? मैंने इस बारे में सोचा नहीं, जब जाना होता है तो चली जाती हूँ, ज्यादा सोचती नहीं। पर अब मुझे जाना ही होगा। क्या अंदर कुछ हो रहा है? जीना, मैंने अभी फ्लोरा जैसी पंछी को आकाश में उड़ते देखा। ठीक उसी तरह एक और भी है, उसने भी नीला स्वेटर पहना था। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कहीं तुम्हारा मतलब वो फ्लोरा ही तो नहीं उड़ रही थी? तुमने सही कहा, हाँ। वो हमारी बच्ची फ्लोरा ही है। ओ वॉरेन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पंछी तो उड़ेंगे ही, तुम उन्हें नहीं रोक सकते, एक दिन वो उड़ ही जाते हैं। वैसे वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी टीना, शायद। सुनो, जरा रुकना प्लीज। वो हमें मिल तो जाएगी ना वॉरेन? वो अभी बहुत छोटी है, वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती, वो तो खुद से खाना भी नहीं खा सकती। मेरे रास्ते से हटो, एक तो मैं पहले से परेशान हूँ, मुझे और तंग मत करो। जाओ जल्दी अपने रूम में जाओ। जा रहे हूँ ना, धक्का क्यों दे रहे हैं? कैसे आई? इन पंखों की मदद से उड़कर आई हो? मुझे भी ऐसे ही पंख चाहिए, कहाँ मिलेंगे? शायद किसी और देश में। अगर मेरे डैड ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरे डैड कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं, वो कहते हैं मैं किसी काम की नहीं हूँ। अगर वो मेरे साथ रहते तो मुझे अच्छे ढंग से समझ पाते। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लॉली है, मैं तुम्हें रखना चाहती हूँ। तुम रहोगी मेरे साथ?
मैं भी पंछी बनना चाहती हूँ, शायद मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जाए। अब ठीक है। जल्दी अंदर ही रहना। ये क्या फैला के रखा है? ये घोंसला है डैड। इसे बाद में तुम्हें साफ भी करना होगा। तुम्हारी बेबी सिटर ठीक 7 बजे आएगी, उसके पहले इसे साफ कर देना। यहाँ पे ये बदबू कैसी है, पहले तो कभी नहीं आई। वो मुझसे एक अंडा टूट गया। तुम और तुम्हारी शैतानियाँ। अरे अब तो सुधर जाओ तुम। ठीक है, मुझे बाय बोलो। प्यार से बोलोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम ठीक तरह से मुझे बाय भी नहीं बोल सकती। ठीक है, चलता हूं। वॉरेन वो देखो, वो रहा ऑफिस, हमें वहाँ जाके सारी जानकारी मिल सकती है। हाँ, सब कुछ जी जी। आज मेरी कार खराब थी, इसलिए मैं बात करूंगी। नंबर 4। ओ, हमारा नंबर आ गया। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो उड़ जाते हैं वो कौन सी दिशा में उड़ के जाते हैं। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही, हम प्लेन के बारे में नहीं तो कह रहे। फिर आपको क्या चाहिए? दरअसल हम एक वो प्लेन नहीं है, वो पंछी है। पंछी? हाँ, पर वो पंछी से कहीं ज्यादा है, वो हमारी बेटी है। हाँ। मैं कोई मदद नहीं कर सकती। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि हम किसे ढूंढ रहे हैं, हमें किसकी तलाश है? समझाना आसान नहीं है ना? ये देखो, मैंने इसमें लिखा है, प्यारी बेबी सिटर, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, वापस आकर तुम्हें कॉल करूंगी। ओके बाय लॉली। अब हम असली पेड़ पर जाएंगे क्योंकि हम असली पंछी हैं। हमें ध्यान से जाना होगा ताकि हमें कोई देख ना ले। ओके। रुको, काले पत्थर पर नहीं खड़े होते, ये खतरनाक होते हैं। यहाँ से एक सीक्रेट दरवाजा खुलेगा और तुम नर्क में पहुँच जाओगी। चलो ऊपर चढ़ जाओ। आराम से, मेरे लिए तो रुको। मैं यहीं पर ठीक हूँ। वो क्या है ना, काफी वक्त से असली पंछी नहीं बनी, थोड़े टाइम में उड़ना सीख जाऊंगी। टीना। हाँ। ज्यादा तेज मत चलो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। रात होने वाली है, मैं बहुत थक चुका हूँ, हमें रुकना होगा। नहीं 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 नहीं, कोई भी कमरा खाली नहीं है होटल में अभी आपके लिए। कोई तो कमरा खाली होगा, हमें छोटा कमरा भी चलेगा। देखिए, हम इस शहर में नए हैं, हमें कोई जगह नहीं पता, हमें यहाँ रुकना है। प्लीज कुछ करिए, हम लॉबी में रात गुजार लेंगे। कोई भी कमरा खाली नहीं है। सॉरी,
वो तो हमारे साथ बहुत खुश थी वॉरेन, फिर क्यों उड़ के चली गई? ये तो पंछियों का स्वभाव है, वो कभी भी एक जगह नहीं रहते, उन्हें जहाँ जाना होता है चले जाते। इतना प्यार करने के बावजूद वो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है वॉरेन? इसमें उसकी गलती नहीं है टीना, कुछ पंछी ऐसे ही होते जो पतझड़ आते ही दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाते। मैं सोच रहा हूँ कि हमें भी दक्षिण की ओर जाना चाहिए। ठीक है। ओ, वहाँ का रास्ता तो बहुत लंबा है। ओह, वॉरेन उठो, अब हमें चलना चाहिए। आप कौन हैं? हम इंसान हैं। ओ, मैं भी इंसान ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पंछी बन रही हूँ, पर मेरे पास आरामदायक घोंसला नहीं है। चलो वॉरेन, देर हो रही है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं किसी इंसान को। किस तरह के इंसान को? ये एक सीक्रेट है। मैं सीक्रेट किसी को नहीं बताती, मेरे पास हजारों सीक्रेट हैं। मेरा अभी वाला सीक्रेट है एक पंखों वाली लड़की। हा? वो इस वक्त इस पेड़ के ऊपर ही सो रही है, ऊपर देखिए। उसका नाम फ्लोरा है। ये देखो, वो हमें मिली थी, वो हमारी है, हमारी बेटी है। नहीं, वो मेरी है, वो मुझे मिली थी। पंछी ऐसे ही होते हैं, उड़ जाते हैं। तुम्हारी दोस्त यहाँ नहीं है, वो यहाँ से उड़ चुकी है। चलो वॉरेन, बातों का वक्त नहीं है। टीना, टीना, ये लड़की हमारी मदद करना चाहती है फ्लोरा को ढूंढने में। अब हम तीनों मिलकर फ्लोरा को ढूंढ ही लेंगे। हाँ। ये अपने डैड की मदद नहीं कर सकती, इसीलिए हमारी मदद करना चाहती है। हाँ। और मिलने के बाद उस पर सिर्फ हमारा हक होगा। चलो आओ, आओ, आ जाओ। लॉली, वहां क्या कर रही हो? अपनी सीट पर बैठो। इप। बैठ जाओ। मैंने क्या कहा, अपनी सीट पर बैठो? इप। मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? अगली बस से इसे वापस भेजो। वॉरेन, अगर इसके पीछे ही लगी रही तो फ्लोरा को कैसे ढूंढ पाऊंगी मैं? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। वो अपना ख्याल रख सकती है टीना। पीनी बीटी सैंडविच। पहले ठीक से बोलो। देखो, उड़ता हुआ छाता है ना? नहीं नहीं, शायद झुंड में उड़ रहे हैं। मुझे उड़ती हुई दो टांगे दिख रही हैं। ये बच्चा होगा, कहीं नीचे न गिर जाए। रास्ता दीजिए, जाइए किनारे हटिए। पीछे पीछे पीछे, इस बैरियर के आगे कोई नहीं आएगा, यही खड़े रहिए। अपनी जगह से हिलना मत, तुम्हारे लिए मदद आ चुकी है।
वहीं पे चुपचाप बैठे रहना। जहाँ हो वहीं बैठे रहो, हम थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह बैठी रहो। मुझे बचाओ। बच्चे को इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए था, पर वो यहाँ पे नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना को देखा है उनका कहना है कि उस बच्ची को चील उठाकर ले गई है। हाँ, जिन लोगों ने उसे देखा वो कहते हैं कि चील उस छोटे बच्ची को ले गई, ऐसा हमने सुना है। सुना आप लोगों ने? तो इस जानकारी के लिए इस चैनल को देखते रहिए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। मैं जोसेफ, कैमरामैन डेविड के साथ। वॉरेन, तुम्हें बाथरूम नहीं जाना क्या? उस बच्चे को इतनी ऊंचाई पर देख करके मेरे तो पसीने छूट गए थे। हाँ, पर उसने बचाया किसे? हमने तो दो टांगे उड़ते हुए वहाँ पहुँचने तक तो चील उसे उठा ले गई थी। सच में? वो डरा हुआ सुरक्षा कर्मी अब घर जा चुका है जिसने चील को बच्चे को ले जाते हुए देखा था। हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि चील बच्ची को कहाँ लेकर गई होगी। सुरक्षा कर्मियों की नई टीम उसे लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। जैसी खबर मिलती है हम आपके पास आए। चलो जल्दी चलो। पर मुझे बाथरूम जाना है। एक ताज़ा खबर, एक लड़की की बेबीसिटर को ये चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है, मैं किसी के साथ घूमने जा रही हूँ, वापस आने के बाद मैं कॉल करूँगी। वॉरेन, तुम्हें क्या लगता है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो हमारी? मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो सुसु करने जाना है। हम जो चाहे सोच सकते हैं, पर पहले हमें पक्का करना होगा। एक्सक्यूज मी, सुनिए। यहाँ पर क्या काम है आपको? हमें उस सुरक्षा कर्मी से मिलना है, हमें उनसे कुछ सवाल करने हैं। क्या आप लोग कोई टीवी रिपोर्टर हैं? नहीं नहीं, हम टीवी रिपोर्टर नहीं हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप कॉफी लेंगे? जी हाँ। कैसे हैं आप सब? मत पूछिए, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी तो जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो गई। क्या मैंने आप लोगों को कभी बचाया था? नहीं, मुझे नहीं, पर शायद आपने काफी लोगों को बचाया। हाँ, मैंने बहुत लोगों को बचाया है, सच है ना डैड? बिल्कुल बेटा। उस बूढ़े भालू को भी बचाया था। वो कुत्ता जिसे तैरना नहीं आता था, उस डूबती नाव को जिसमें 6 लोग थे, और वो परेशान औरत। हाँ बेटा। और वो भगोड़ा घोड़ा। हाँ वो... लेकिन इस हादसे से मैं बहुत डर गया हूँ। वो ब्लू स्वेटर पहने एक छोटी सी लड़की थी। ब्लू स्वेटर? फिर तो वो हमारी फ्लोरा ही थी। क्या आप उसके परिवार के? वो हमारी बेटी है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। हाँ, पर क्या कहूँ मैं। मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन वादा कीजिए कि मैं जो कहूँगा उसका आप यकीन करेंगे। उस बच्ची को किसी चील ने नहीं खाया। हाँ? Eep, 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 eep.
क्या ये सच है? आपने वादा किया था कि आप यकीन करेंगे। अगर ये सच है तो मैं यकीन करने की कोशिश करूंगा। हमें उसे किस दिशा में ढूंढना चाहिए, क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? मैंने उस पंछी को दक्षिण की ओर उड़कर जाते हुए देखा था। हम कब चलेंगे? हम चलते हैं। इसे अपने साथ ले जाना। अपना ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी लौट आना बेटा। कॉफी के लिए शुक्रिया, बाय। फ्लोरा मेरी बच्ची, फ्लोरा, फ्लोरा, मुझे भूख लग रही है और प्यास भी और पैरों में भी दर्द हो रहा है। फ्लोरा स्वीट हार्ट, टीना जरा रुकना। पर अभी तो शाम ही हुई है। आप सोते हुए कैसे देख सकते हैं? मैं सो नहीं रहा। मैं भी। मैं लोरी गाता हूँ, शायद फिर नींद आ जाए, ये अच्छा होगा। सोजा राजकुमारी सोजा, सोजा राजकुमारी सोजा, हाँ सोजा, सोजाओ नींद आ जाएगी। राजकुमारी सोजा, राजकुमारी सोजा, राजकुमारी सोजा। यहाँ इस तरह देखते हैं, कुछ अच्छा मिल सकता है। कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही? ओहो वॉरेन, इन पंछियों को बाद में भी देख सकते हो, जो काम करने आए हो वो करो। बचाने आ रहे हैं। आप लोग परेशान मत होइए, मैं हूँ यहाँ पे, कुछ करता हूँ। सब हट जाइए यहाँ से। मेरे ख्याल से इसी लड़की को चील ने खाया था। ये सब मेरी गलती है, चील कपड़े नहीं खाती। ने कहा था चील कपड़े नहीं खाती, इसके अंदर जो था वो खाकर उड़ गई। टीना बस वो उड़ गई है,
उसे शायद उड़ने में दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए उसने इसे उतार दिया। वैसे भी पंछी कपड़े कहाँ पहनते? शायद उसका बटन टूट गया होगा, इसीलिए ये गिर गया। सुनिए, हम कुछ बोल रहे हैं ना? ओ लॉली, ऊपर उठाओ, खींचो। मेरी बच्ची, ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। इसका शरीर ठंडा पड़ गया है, कहीं इसे बुखार ना चढ़ जाए। हॉस्टल, ये कैसी जगह है? मुझे तो लगता है ये पक्का होटल ही होगा, शायद मदद मिल जाए हमें। वॉरेन, मुझे लगता है यहाँ हमें रुकने की जगह मिल जाएगी। हेलो, वेलकम। वो क्या है ना, कुएं में गिरने की वजह से हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं, हमें यहाँ नहाने की जगह मिल सकती है? हाँ, हाँ। कुएं में गिर गए? क्या आप कुएं के अंदर थे? जी, पर इस वक्त हम आपको नहीं बता सकते कि हम वहाँ क्या कर रहे थे। तो आप ये बात हमें नहीं बता सकते? हाँ, नहीं नहीं। आप बहुत थके हुए भी हैं। बाहर हॉस्टल क्यों लिखा था, आर साइलेंट है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये आपके लिए, ले लो इसे बेटा। और ये आपके लिए। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम लॉली था, वो बड़ी ही जॉली थी। क्या अब हम सोने जा रहे हैं? नहीं, पहले हमारे कपड़े सूख जाएं, उसके बाद सोएंगे। चलो तुम जाओ अपने कमरे में जाओ और वहाँ जाके अपने कपड़े पहन लो। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब कुछ मेरा है, सब कुछ तेरा है। ऊपर से नीचे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कपड़ों के सूखने का इंतजार। अच्छा, सच में? हाँ सच में। सब कहते हैं भूत नहीं होते, अगर होते भी है तो हम उन पर विश्वास नहीं करते। उनकी हड्डियाँ और मांस नहीं होते, लेकिन होते भी है तो हम विश्वास नहीं करते। क्या देख रही हो टीना, पंछी भी बारिश में नहीं उड़ते, वो भी पनाह ले लेते। कल तक बारिश रुक जाएगी, क्या तुम मेरी लोरी सुनकर सोना चाहोगी लॉली?
ट्विंकल ट्विंकल नहीं शुक्रिया गुड नाइट आराम से सोना गुड नाइट बेटा गुड नाइट मॉम गुड नाइट बेटा गुड नाइट डैड तुम किस बारे में सोच रहे हो बेटा भूतों के बारे में नहीं सोच रहा फिर ठीक है मुझे भूतों से डर नहीं लगता तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होता लॉली लॉली उठो डरना मत वो असली भूत है ओके ये क्या तुमने तो लाइट जला दी लाइट जलाते हैं तो भूत भाग जाते हैं अब हमें वो कैसे मिलेगा बताओ एक मिनट रुको तो सही ये तो ईव है मैं तो इसे ही ढूंढ रही थी कहाँ चली गई थी तुम मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा तुम तो ठंडी पड़ गई हो तुम्हें बुखार हो जाएगा क्या तुम्हें बुखार है बोर कंबल दो हमने एक दूसरे को बाय बाय भी नहीं किया अगली बार बिना बाय कहे मत उड़ना ओके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार How I wonder. हे भगवान क्या हाल बना रखा है जल्दी चलिए जल्दी क्या हुआ हमें एक मिल गई है मैंने सफाई कर ली है बिस्तर भी साफ कर दिया नहीं वो मैं रोज साफ नहीं करती वो चली गई ओ फ्लोरा तुम उसे नहीं रोक सकती टीना हमने बहुत सारी बातें की वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ हमें उसे ढूंढना है मैं हिम्मत रखनी होगी हिम्मत दिखाने के लिए हिम्मत के लिए हिम्मत अभी तुम हिम्मत दिखा पाओगे थैंक्स हो गया अलविदा अलविदा अब ये लॉली कहाँ रह गई सुनिए मैं यही रहूंगी बोर के साथ इसी के साथ मैं घर वापस चली जाऊंगी इसने भूतों के बारे में सोचना छोड़ दिया है ये सच है ना बोर हाँ ये सच है अभी तुम क्या सोच रहे हो पहाड़ों के बारे में देखा कम से कम ये मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहोगी तुम मेरी बेटी थोड़ी ना हो टीना लॉली घर जाना चाहती अपने घर ठीक है जहां तुम्हें जाना है तुम चली जाओ मैं नहीं रोकूंगी मिलना हो गया तो चले अब
अपना ख्याल रखना। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो फ्लोरा। सुनिए, क्या आपको रिवर व्यू हॉस्टल पता है? दरअसल मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, मैं उसका पिता हूँ। लॉली, हम जानते हैं उसे। कौन लॉली? हम किसी लॉली को नहीं जानते हैं। आप जाइए। टीना, तुम इस तरह नहीं बोल सकती। चुप रहो, जल्दी से चलो यहाँ से। उसको आपके प्यार की जरूरत है सर। फ्लोरा, फ्लोरा, देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, वापस आ जाओ बेटा। अब हमें रुकना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, अगर हम अभी रुक गए तो उस तक नहीं पहुँच पाएंगे, जल्दी चलो। उसे भूख लगी होगी। मैं हमेशा एक अच्छा सुरक्षा कर्मी था, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है अपने ऊपर। ओ, पिछली बातें भूल जाओ, अब रोना धोना बंद करो, ठीक है? शांत हो जाओ, अब चले हम। मैं नहीं जा सकता। तुम्हें घर जाना है? मुझे नहीं पता। तो तुम्हें पता क्या है? मुझे यहाँ बैठना है। तुम यहाँ बैठ के ये खाओ और हम जाके हमारी बेटी को ढूंढते हैं, ठीक है? चलो वॉरेन। टीना, ये ठीक नहीं है। मैंने बिना रस्सी के पहाड़ पार किया है, शेर के दांत साफ किए हैं, जंगल में मीलों तक पैदल भी चला हूँ, ये सच है। मैं टीना को लेके आता हूँ, हमें रास्ते में एक साथ रहना बहुत जरूरी है। टीना, टीना, टीना कहाँ हो तुम? टीना, 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 टीना। ओ वॉरेन, इतने बड़े जंगल में हम फ्लोरा को कैसे ढूंढेंगे? अब हम घर जा रहे हैं। तो फ्लोरा का क्या होगा? चलो।
वो सच में तुम हो? तुम्हारे पंख टूट गए। मैं तुम्हें नहीं बचा सका, पर तुमने अपने आप को खुद बचा लिया। लेकिन अब देखो, मैंने भी तुम्हें बचाया। देखो, देखते हैं उड़ पाती हो या नहीं। बस ऐसे यार, ऐसे मैंने बांध दिया, ये हो गया। अब हम कोशिश कर सकते हैं। ओके, उड़ जाओ, उड़ो उड़ो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? अरे देखो तो, चुपचाप नीचे आओ, हमें जाना है, चलो आओ। तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसे देखा है, फ्लोरा को। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, वो मेरी गलत फहमी थी, उसे चीलते नहीं खाया है। मेरी फ्लोरा ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, बस उसका एक पंख टूट गया था और कुछ नहीं। मैंने उसे भी ठीक कर दिया है, कोई परेशानी नहीं है। पर वो है कहाँ? जहाँ होना चाहिए, खुले आसमान में, और कहाँ। वॉरेन, हमें छोड़कर वो हमेशा दूसरों को ही दिखाई देती है। पर हमें क्यों नहीं? मुझे लगता है वो समंदर पार करके निकल गई होगी। क्या कह रही हो टीना? ऐसी हालत में वो भला समुद्र कैसे पार कर सकती है? उसकी हालत ठीक नहीं है। हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। जरूर। दोस्तों अलविदा। ओ वॉरेन, वो देखो, वो देखो, वहां पर वो फ्लोरा ही उड़ रही है। जल्दी चलो उस तरफ। लो पूरे रास्ते कैसे साथ लेकर चलोगे? छोड़ो इसे। अब हमें वापस चलना चाहिए, जिसे जाना था वो जा चुका है। मैं उसकी बात समझ सकती हूँ, अगर उसे उड़कर जाना ही था तो कम से कम मुझसे मिलकर तो जाती। हमने ठीक से उसे अलविदा भी नहीं कहा, उड़ गई वो। हाँ, लेकिन पंछी ये कहाँ समझते हैं? लेकिन वो सिर्फ पंछी नहीं थी। टीना, अब हमें चलना चाहिए। अलविदा मेरी बच्ची फ्लोरा, शायद हम फिर मिले। हा, 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 हा।
वॉरेन, 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 ओह चलो अब खाना खाया जाए। हाँ टीना सुकून से। फ्लोरा के लिए चीयर्स। चीयर्स। फ्लोरा बेटा ठीक से खाओ, चम्मच लो, चलो टीना। हाँ रहने दो, ऐसे ही खाने दो। चलो वॉरेन हम भी उड़ते हैं, ऐसे ऐसे पंख लाओ और ऊंचे उड़ो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, little star, how I wonder what you are. ये घर में नहीं रह सकती, इसे बाहर की दुनिया बहुत पसंद है। ये यहाँ से जाना चाहती है वॉरेन, क्या हम इसे नहीं रोक सकते किसी भी हाल में? नहीं, हम इसे नहीं रोक सकते। शायद इसे जाने देना चाहिए। मेरी बच्ची जाना चाहती है, उड़ना चाहती है, जाना है, चले जाओ, अपना ख्याल रखना। Thank you.
उसकी बहुत याद आएगी। उसके बिना रहना बहुत मुश्किल होगा वॉरेन, पर हम फ्लोरा को ये नहीं समझा पाए। पंछी तो ऐसे ही होते हैं ना, क्या पता बसंत में वो फिर से लौट आए। क्या वो सच में हमारे पास आएगी? मुझे उसकी बहुत याद आएगी। काश वो वापस आ जाए, वो अपना ख्याल तो रखेगी ना। This movie is encoded by Dr. Star.